खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। यूपी को विदेश से मिला है बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव और आज फ्रांस में रोड शो करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और रोड शो के जरिए कंपनियों को यूपी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आज भी जारी रहेगा 1-to-1 बिजनेस बैठकों का दौर और व्यापारिक समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात होगी। तो यूपी सरकार के मंत्री इस वक्त विदेश में मौजूद हैं, जहां अलग अलग इलाकों में दौरे किए जा रहे हैं, रोड शो किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा निवेश प्रस्ताव जुटाने की कोशिश है। इस बीच अहम खबर, यूपी को विदेश से मिला है बड़े पैमाने पर प्रस्ताव और आज फ्रांस में रोड शो करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और रोड शो के जरिए कंपनियों को यूपी में निवेश करने के लिए वो प्रोत्साहित करेंगे। आज भी 1-to-1 बिजनेस बैठकों का दौर जारी रहेगा, व्यापारिक समुदाय के प्रतिनिधियों से भी उनकी मुलाकात होगी। तो जीआईएस 2023 को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में आ सके, इसी को देखते हुए विकास को ले जाने की आगे कोशिश है। उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री इस वक्त विदेश के दौरे पर हैं।